योगी राज में शिव खुश। शिवपाल को भाई सीएम योगी की कार्यशैली। मेहनत और ईमानदारी के मुरीद हुए शिवपाल। शिवपाल के निशाने पर आई अफसरशाही। लगता है यूपी में शिवपाल ने सियासत की अपनी नई पारी से जो उम्मीदें की थी वो सही ट्रैक पर। लगता है शिवपाल ने नई पार्टी प्रस्ताव बनाने के बाद जो चाहा वो पूरा हुआ है। कुल मिलाकर लगता है शिवपाल की सियासत चमक गई है। सभी सपा के साथ आने के बजाय अब उन्होंने अपने अलग सियासी रास्ते को ही बरकरार रखा है। शिवपाल उसी राह पर चलेंगे जिसे उन्होंने काफी सोच समझ कर चुना। इसीलिए फिलहाल शिवपाल यूपी में प्रस्ताव की सियासत को नई रफ्तार देने के लिए अनुभव का सहारा ले रहे हैं। सियासत में अनुभव बड़े ही काम की चीज है। ये बताता है कब क्या किसे और किस तरीके से निशाने पर लेना है और किसे तत्काल सियासत करके छूट दी जाए। विपक्ष की भूमिका में कब आना है, सत्ता पक्ष का किस तरीके से साथ देना चाहिए, कब निशाने पर लेना चाहिए, शिवपाल का अनुभव इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा है। दरअसल बसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के काम की तारीफ की। शिवपाल सीएम योगी को मेहनती और ईमानदार मानते हैं, लेकिन शिवपाल का मानना है कि उनके प्रयासों पर अफसरशाही पानी फेर रही है। बसपा प्रमुख ने पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाया कि कुछ की तो अपराधियों से मिलीभगत है, वो भ्रष्ट हैं, मनमानी करते हैं। साफ है कि शिवपाल के लिए इस वक्त ये लक्ष्य नहीं है कि वो जनता के सामने बसपा को बीजेपी के विकल्प के तौर पर पेश करें, बीजेपी को चुनौती देने वाले के तौर पर रखें। शिवपाल का लक्ष्य तो अभी बसपा को मजबूत पार्टी के तौर पर उभारना है, निखारना है, संवारना है। संगठन को ऐसी धार और ऐसी रफ्तार के लहर में बांधना है, कार्यकर्ताओं के अंदर कुछ कर गुजरने के जज्बों को भरना है, उनकी उम्मीदों को मजबूत करना है ताकि वक्त आने पर वो बसपा के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएं। शिवपाल मौजूदा सियासी वक्त में इस राह पर हैं, इसलिए उन अटकलों पर विराम लगा दिया गया है जिसमें ये कहा गया था कि बसपा का सपा में विलय हो सकता है। विलय अगर नहीं होगा तो गठबंधन हो सकता है। दो सियासी ऑफर में से किसी एक को शिवपाल अपना सकते हैं, क्योंकि शिवपाल मुलायम के दबाव में मुलायम हो सकते हैं, लेकिन नेताजी के दबाव की अटकलों पर शिवपाल ने अपने तरीके से विराम लगा दिया। कह दिया वो नेताजी की राह पर समाजवादी धारा की राजनीति को ताकतवर बनाने का संकल्प लेकर काम करेंगे।